योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रही है, तो वहीं दबंग माफिया आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मामला जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां बड़ा गांव प्रधान देवेंद्र पचौरी ने सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर ही कई सालों से कब्जा जमा रखा है। माफिया ने चारागाह तथा नई परती की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें अभी गेहूं की फसल खड़ी हुई है। जब मामले में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि चारागाह की जमीन पर किसी ने गेहूं बोए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें एसडीएम सहावर को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में एक शिकायत प्रकरण प्राप्त हुआ है और उस प्रकरण के अनुसार यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि चारागाह की जो ज़मीन है उस पर चारा उगाया जा रहा है, ऐसी अनुमति लेते हुए वहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा गेहूं उगाया गया है और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा होने की शिकायत प्राप्त हुई। इस विषय में एसडीएम सहावर को जाँच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जाँच कार्रवाई होने के उपरांत ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।